हरे कृष्णा बच्चों, सुप्रभात। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था दशम पाठ, राष्ट्रीय प्रतीकानि। ठीक है, आज हम इसके शब्दार्थ एक बार फिर दोहराएंगे और फिर इसका अभ्यास करेंगे। निकालो शब्दार्थ। प्रतीक चिन्ह, राष्ट्रीय राष्ट्र का। नृत्यति नाचता है। मयूरः मोर। व्याघ्र चीता। पिछानी पंख। तीव्र धावक तेज दौड़ने वाला। कमलम कमल। ध्वज झंडा। बहुशः बहुत बार। पंखे कीचड़ में। तिरंगा तीन रंगों वाला। अब हम इसका अभ्यास करेंगे। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। क, भारतीय क राष्ट्रीय पक्षी रूपेण स्वीकृत। भारतीय क राष्ट्रीय पक्षी रूपेण स्वीकृत। भारत में कौन राष्ट्रीय पक्षी के रूप में स्वीकृत है? उत्तर है, भारतीय मयूरः राष्ट्रीय पक्षी रूपेण स्वीकृतः। अगला प्रश्न। क पशु राष्ट्रीय पशु रूपेण स्वीक्रियते। कौन सा पशु राष्ट्रीय पशु के रूप में स्वीकृत स्वीकार किया गया है? तो उत्तर है, व्याघ्रः पशु राष्ट्रीय पशु रूपेण स्वीक्रियते। है ना, व्याघ्र ने शेर को राष्ट्रीय, चीते को व्याघ्र ने चीते को राष्ट्रीय पशु के रूप में स्वीकार किया गया है। अगला, किम पुष्पम राष्ट्रीय प्रतीकम मन्यते। उत्तर है, कमलम पुष्पम राष्ट्रीय प्रतीकम मन्यते। अगला, राष्ट्रध्वज केन शब्देन प्रसिद्धः। तो उत्तर है, राष्ट्रध्वज तिरंगा शब्देन प्रसिद्धः। बच्चों, आपको इस पाठ के शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर अपनी फेयर कॉपी में लिखना है और मुझे बताना है। नीचे लिखे वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। पहला, मयूरः नृत्यति, मोर नाचता है। अगला, स तीव्र धावकः पशु अस्ति, वह तेज दौड़ने वाला पशु है। अगला, कमलम पंके भवति, कमल कीचड़ में होता है। अगला, राष्ट्रध्वजस्य महत्वम भवति, राष्ट्रध्वज का महत्व होता है। अगला प्रश्न, नीचे लिखे वाक्यांशों को संस्कृत में लिखिए। शरीर पर मोटी काली रेखा, शरीरे स्थूल कृष्ण रेखा। अगला, कमल शोभा पाता है, कमलम शोभते। अगला, तिरंगा शब्द से प्रसिद्ध, तिरंगा शब्देन प्रसिद्ध। मोर के पंख, मयूरस्य पिछानी। अगला प्रश्न, नीचे लिखे शब्दों के विभक्ति एवं वचन लिखिए। पक्षिषु सप्तमी बहुवचन। रूपेण तृतीया एकवचन। धावक प्रथमा एकवचन। ध्वजस्य षष्ठी एकवचन। विश्वे सप्तमी एकवचन। तस्य षष्ठी एकवचन। बच्चों, आपको ये जो वर्क है ये अपनी पुस्तक में ही करना है और मुझे बताना है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।